तो बहुत ही गलत हुआ गाइस, मेरा कैमरा काम करना बंद कर दिया, ये बटन काम नहीं कर रहा है। बट उसके बाद भी वीडियो आएगी भाई, वीडियो बनाऊंगा। पता नहीं क्या हो गया कैमरे को, ये काम नहीं कर रहा, बटन चालू नहीं हो रहा है। सो कोई बात नहीं, वीडियो तो आएगी। तो भाई फाइनली मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरे को पता था कि ना ये फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाता है। तो मैंने इसको इस वक्त ना फ़ोन से देखो, ये मैं अभी दिख रहा है मेरे को, मतलब उल्टा दिखा रहा होगा ये मेरे को कैमरा। तो क्या है ना कि इसके अंदर एक ऑप्शन होता है जो कि कैमरा फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाता है। तो इस वक्त ये कैमरा चालू हो चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो, अब ये कैमरा ना, अब ये कैमरा चालू हो चुका है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो भाई बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी मेरे को इसे कनेक्ट करने के लिए, बट हाँ हो गया। सो आई हैव द चांस नाउ रिकॉर्ड। चलो गाइस, अभी ना एक मस्त एकदम झकास मेरे साथ अभी इंसिडेंस हुआ, विच इज़ मेरे को ना अभी ट्रैफिक वालों ने रोका है ना, मेरे को अभी ट्रैफिक पुलिस ने रोका यार। मतलब भाई लग कह सकते हैं लकी इतना ख़राब चल रहा था कि कैमरा मतलब कभी यार मेरे साथ ना एक चीज़ हमेशा होती है कि जब भी कोई ऐसा पॉइंट होता है ना भाई, हमेशा मेरा कैमरा ऑफ होता है यार, ये क्या चल रहा है। सो क्या हुआ ना कि अभी मेरे को ट्रैफिक वालों ने रोका, ट्रैफिक पुलिस ने रोका मेरे को, और यहाँ पे भी चेकिंग चल रही है अभी, आपने देखा होगा। और रोककर मतलब हो सकता है मेरे को उसको शायद कैमरा देखना हो, तो मेरे से पूछने लग गया कि एक कैमरा माउंट है क्या। मैंने कहा हाँ, कह रहा चल रहा है, मैंने कहा हाँ, अब मुझे तो पता नहीं था कि चल नहीं रहा था। तो उसको जब ये लगा ना कि हाँ कैमरा चल रहा है, तो मेरे को बोला कि सर इसमें ना आप क्या कहते हैं, मेरी गाड़ी में ना शीशे, मतलब ये साइड वाले ना शीशे नहीं है, तो कह रहा कि ये ना साइड वाले शीशे लगवा लो, ये ज़रूरी है। मैंने कहा सर कंपलसरी हो गया क्या, कह रहा कि हाँ कंपलसरी है, आगे से नेक्स्ट टाइम इनमें ना शीशे लगवा लेना। मेरे से बोला ड्राइविंग लाइसेंस, पहले बोला कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ अपना। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं जैसे ही अपना मतलब वॉलेट निकालने वाला था लाइसेंस के लिए, तो कह रहा इसके शीशे ना आप शीशे लगवा लो सर। मैंने कहा अच्छा सर कंपलसरी हो गया है, कह रहा कि हाँ, कह रहा। मैंने कहा चलो ठीक है सर लगवा लेता हूँ, लगवा लूँगा। तो कह रहा कि ठीक है जाओ। मैंने कहा बस कैमरे के आगे आने का शौक था क्या भाई, लग कैमरा ही चालू नहीं था यहाँ पे भाई सीन हो गया। तो भाई आप देख रहे होंगे फाइनली मैं पहाड़ों की तरफ आ गया हूँ। अभी यहाँ से मेरे को करीब करीब 15 मिनट्स लगेंगी। तो अपन चल रहे हैं भाई, कौन सा घाट है, अगले वाला घाट है। तो अपन चल रहे हैं आगे, वो देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है शिव मंदिर आगे है। तो बोले भोले शंकर भगवान की जय। तो भाई देख रहे हो ये पहाड़ शुरू हो चुके हैं, तो अभी देखते हैं वहाँ पर कितनी भीड़ मिलती है। मेरे को रास्ते में देखने को मिला, देख रहे हो ये चट्टान कैसी है ऊपर से, देख रहे हो वहाँ से ना पत्थर भी गिरे हुए हैं, मतलब वहाँ से पत्थर खिसकते हैं, वो देखो ऊपर से बिल्कुल पहाड़ों जैसा है भाई, पहाड़ ही है। मज़ा आ गया भाई, दिल्ली में ऐसा व्यू देखने में मज़ा आ गया भाई। और अभी तो आगे चल रहे हैं, ऊपर भी चलेंगे, अभी आगे रास्ता है अरावली हिल्स करके कहते हैं इसको। सो अभी आगे चल रहे हैं, मज़ा अल्टीमेट आने वाला गाइस। गाइस देख रहे हो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और यहाँ पे हमें गाड़ी चलानी है। मैंने यहाँ पे ना टायर के निशान देखे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे हार वार तो आसानी से चली जाएगी, क्योंकि कार का जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मैं लेके जाता हूँ, देखता हूँ कि मैं गाड़ी कहाँ तक लेके जा सकता हूँ। गाड़ी अगर ऊपर तक चली गई तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अगर नहीं गई तो फिर पैदल थोड़ा चलना पड़ेगा। लेट्स सी, चलते अभी ऊपर। भाई साहब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रास्ता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ऐसे रास्तों की तो आदत बनानी पड़ेगी अब मुझे। सो पर हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पर ना आप गाड़ी लाओगे ना, बड़ी गाड़ी ला सकते हो, थार वगैरह तो ला सकते हो,
बड़ी गाड़ी तो ला सकते हो जिसके लाइक व्हील्स वगैरह अच्छे खासे हों, लेकिन अगर आप छोटी गाड़ी लाने की कोशिश करो तो नहीं आएगी बॉस। सो भाई आफ्टर ओके सो आफ्टर द लॉन्ग ड्राइविंग, मेरे को ऐसा लगा कोई आ रहा है पीछे, तो आफ्टर द लॉन्ग राइडिंग मैं बहुत देर से राइड कर रहा था, करीब करीब 20 मिनट राइड करने के बाद मुझे गूगल मैप यहाँ लेके आ गया। मैं रोड से कभी अभी अंदर की साइड हूँ, यहाँ पे पेड़ों की छाँव में हूँ, पेड़ वगैरह यहाँ पे बहुत सारे हैं। सो मुझे गूगल मैप यहाँ तक ला चुका है। तो जहाँ तक है कि अरावली हिल्स पे मैं आ गया, मैंने देख लिया लाइक कहाँ पे इसने मुझे छोड़ा है, बढ़िया जगह है। सो यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी विच वॉज दी व्यू, यहाँ का नहीं है बट यहाँ से थोड़ी देर पहले जो मैंने एक वीडियो डाली थी कि रोड देखो कितना सारा ख़राब हो रहा है, उससे वहाँ पे पीछे का व्यू था भाई एक नंबर, बहुत बहुत ही मज़ेदार था और बहुत ही शानदार था। फिलहाल तो मैं यहाँ पर गूगल मैप मुझे लाकर छोड़ दिया, बट एक बात बताऊँ, कैंपिंग करने का मज़ा ना एक नंबर आएगा यहाँ पे, बट इतना डेर चाहिए कि पूरे बिल्कुल जंगल में आप आके कैंप करो। सो आई विल ट्राई, मैं कभी ट्राई ज़रूर करूँगा। सो फिलहाल तो अभी मैं दिन में आया हूँ ताकि मैं रास्ता देख सकूँ, मैं समझ सकूँ, तो फिलहाल तो मैं इसीलिए दिन में आया हूँ। सो बने रहो वीडियो में। सो ये कुछ ऐसा है, यहाँ मेरी गाड़ी है, ये मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ, है ना, इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये बिल्कुल रोड पे, मेरे को यहाँ पे गूगल मैप ने लाके छोड़ दिया है। तो ये है अरावली हिल, तो आओ थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर कांटे बहुत हैं तो मुझे बड़ी ही सावधानी के साथ पैर रखना है, कोई कांटा वाटा मेरे को ना चुभ जाए। ओके ग्रेट, एक्चुअली यहाँ पे पूरा कांटे ही कांटे हैं, ये देखो यहाँ पे कैक्टस, देखो आपको व्यू दिखाता हूँ एक, ये देखो वाओ। सच बताऊँ सो रिलैक्सिंग, मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है यहाँ पर आके, अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स काफ़ी बिल्कुल जंगल है यहाँ पर, लेपर्ड वगैरह भी है क्योंकि बहुत दूर तक ये जंगल फैला हुआ है, बहुत 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 ब्रॉड, बड़े बहुत बड़े एरिया के अंदर है ये। सो पूरा राजस्थान वगैरह भी टच करता है ये, पूरा गुड़गांव का एरिया पूरा टच करता हुआ जाता है ये।